फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और फिलहाल अब हम लोग ठीक है। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, हेल्थ प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी और मुनिका की तबीयत खराब था। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ कुंजरी, जिसको बोलता है उसका चटनी बनाऊंगी मैं। देखिए इसको हम कुंदरी बोलते हैं, आप हम क्या बोलते हैं बताइएगा। तो कुंदरी का चटनी बनेगा और राइस और बनाएगा ओल की सब्जी, बहुत ही यम्मी यम्मी। देखिए तो ओल का सब्जी बनाए और ओल का सब्जी के साथ मुझे पुआ बहुत अच्छा लगता है, रुमाल पुआ जो बोलते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे पुआ का घोल भी बना के रखी हूँ। देखिए तो बनेगा, पुआ ही बनेगा और इसमें राइस चढ़ाए, थोड़ा सा ही राइस बनाना था इसलिए कुकर में चढ़ा दी और यहाँ घोल बना के रख दी। और ये देखिए, ये है स्वीट कॉर्न, तो इसको मैं सीटी दे डालू। तो नमक डाल के इसको मैं उबाल दी हूँ, ये मुन्नी खाती है। तो अभी वो आफ्टरनून तो लंच करके आई है, 1:30 को ही आ जाती है, तो अभी आ रही है फिलहाल और उसको मैं देने जा रही हूँ, क्योंकि वो अभी खाना तो खाएगी नहीं क्योंकि लंच वो स्कूल में ही कर ली है। तो ये इसके लिए मैंने क्या है ना, स्कूल के सामने स्वीट कॉर्न और आइसक्रीम बेचते रहता है, तो रोज बोलते हैं कि हमको चाहिए तो कितना दिलाएंगे, रोज हर रोज अच्छा नहीं लगता। मैं सोची चलो घर में ही बना देती हूँ, तो उसको बोलती हूँ ना तो यकीन ही नहीं करते। दिखते कल भी रोने लगी थी कि आइसक्रीम चाहिए, तो घर आते ही आइसक्रीम दी हूँ मैं उसको, क्योंकि घर में रखा था फिर खरीद के क्यों ले। और ये भी घर में है, स्वीट कॉर्न हमेशा रहता है, तो उसके लिए ये लेके जा रही हूँ, उसको देती हूँ और अभी फिलहाल वो आपे ही खा रही है। तो चलिए जी के आते हैं उसको। और ये चटनी है ना बहुत एकदम मतलब तेलंगाना स्टाइल में मैं चटनी बनाने वाली हूँ, तीखा तीखा तिल वाली। तो तिल को मैं ऑलरेडी फ्राई करके उसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ और ये रेडी कर जाएगा। ठंडा होने के बाद इसको भी मैं ग्राइंड करूँगी, उसके बाद तड़का लगाएंगे इसके अंदर चना दाल, उड़द दाल, राई, जीरा और सूखी मिर्च करी पत्ता के साथ। तो चलिए मुन्नी के पास लेके जाती हूँ मैं आपको, और ये मुन्नी को देते हैं, देखते हैं वो क्या बोलती है। स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, इधर इधर देख के, इधर देख के गुस्सा क्यों है? अरे देख तो चोटी निकाल ली, इधर देखो, इधर इधर क्या दिख रहा है? माशा एप्पल खा लिया है। क्यों रुट गई वो? मिला ना स्वीट कॉर्न, फिर क्यों रुस रही है? हाँ दिखाना तो इधर, फेस दिखाना। ये इधर देखो, इधर देखो मुन्नी, हाँ नाराज है। तो रोज रोज कौन खरीद के देगा? खा लो, नहीं चाहिए हमको। मुन्नी खा दे, इस बार आप के दो। मुन्नी हाँ दो में नहीं बोलते। रखो नीचे, रखो टैब। मुन्नी रख दो, खा के देखो अच्छा है। टेस्ट करो ना पहले, टेस्ट कर एक थोड़ा सा। मकई, हाँ चलो खा के दिखाओ जल्दी। ए मुन्नी खा ली, अच्छा है हाँ। यहाँ देख रहे रामायण। और फ्रेंड्स देखिए ये कुंदरू फ्राई हो रहा है थोड़ा देर, और देखिए तेल एक्चुअली ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करूँगी ना इसी तेल में तड़का भी लगा दूँगी, दोनों काम हो जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स चटनी बन गया है, देखिए बहुत ही यम्मी यम्मी चटनी। और यहाँ पे तेल कढ़ाई में रख दिए, तो ये एकदम धीमे आंच में मैं इसको गर्म होने दूँगी। देखिए आंच कितना है, तो ये गर्म होगा तब तक मैं जा रही हूँ ये माजा पीने। तो देखते हैं मुन्नी भी पी रही है, क्या पी रही है मुन्नू? मुन्नू ने क्या पी रही है? दिखाओ 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 दिखाओ। किसको पसंद है? माँ को? हाँ माँ को माजा पसंद है। मुन्नी को पसंद है, बताओ
अब पूछो दादी को पसंद है, दादी को पसंद है? कन कन बोल रहे हैं ठंडा बहुत है, तो फ्रिज में से निकाले तो ठंडा रहना बहुत, यू नो दांत का मैं प्रॉब्लम हो गया उनको भी, तो झनझनाहट ये तो पता नहीं कितना का कितने का, हाँ 10 रुपए वाला बहुत बड़ा वाला बॉटल सब चुग देखी पटाखे उन्नी चुग ले मम्मी का टाइम पास रामायण आज सीरियल नहीं देखे ना, लगाओ ना सीरियल आज कोई भी को एक भी सीरियल नहीं देखे हम, और अब भूख भी लग रहा है ठीक है खाना बन गया है बन गया पुआ खाली बन गया पुआ थोड़ा देर के बाद ना बनेगा कि तू तो बने वो, हाँ मैं पुआ खाती मुझे पुआ अच्छा लगता है सूरन का साग, अरे मैं ओल बोली थी ना तो कोई कहीं कहीं सूरन भी बोलते हैं उसको, तो सूरन के सब्जी के साथ ओल बकालोल जकारा से कहले मैया जे ओ बकालोल हम बकालोल मैया हम बकालोल जकारा से कहले मैया जे ओ बकालोल है ना, हाँ ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे मौसम देखे बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो बाहर जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी, पहले इसको पी लेते हैं उसके बाद बनाऊंगी मैं पुआ। फ्रेंड्स देखिए पुआ कितना अच्छा है, एकदम फुला फुला बन रहा है ये देखिए और एक छोटा सा बनाई हमारे यहाँ जो फर्स्ट वाला जो पुआ बनता है ना तो इसको खाया नहीं जाता है, इसको ऐसे स्टोव पे रखा जाता है पूरा बनने तक, और मैं आज उठा ली अपने आप लोगों को दिखाने के लिए, और ये देखिए एकदम आपको ना मैं बैक कैमरा से दिखाई, देखिए किस तरह से पूरा एकदम पुआ फुल चुका है ना, तो ये मस्त पूरा अच्छा का है। इसमें क्या क्या डालें देखिए, मैदा है, सूजी है, चावल का आटा, सौंफ और नारियल और किशमिश भी डाला जाता है, बट क्या करूँ किशमिश था नहीं तो मैं नहीं डाल पाई, और तो देखिए कितना अच्छा से फूल चुका है, तो ऐसे ही अब मैं खाने भर ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं सबको दो दो हुए ना, तो पुआ बाकी का मैं बना लेती हूँ सबको खाने भर बनाऊंगी दो दो, और बचेगा उसको शाम को बनाएंगे, क्योंकि ये जो बैटर जितना ज़्यादा फूलता है ना उतना अच्छा बनता है, तो पहले बना लेते हैं लंच कर लेते हैं, पहले बनाने के बाद मैं बताऊंगी कि मेरा सारे पुआ कितने अच्छे अच्छे फूल फूल के बने, और आप लोग कमेंट करेगा किन किन को ये मालपुआ पसंद है, वैसे ये होली में बनता है और ऐसे नहीं है कि सिर्फ होली में, कभी भी बना सकते हो, होली में खाई हूँ उसके बाद फिर मैं आज बना रही हूँ, मेरा तो फेवरेट है पुआ, तो चलिए बना लेते हैं और भूख भी काफ़ी लगा है तो पहले ही फटाफट बनाती हूँ, तो फ्रेंड्स पुआ बन गया है और अभी जा रहे हैं हम लंच करने, तो लंच करने के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 6:10 और चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं मुन्नी क्या करे, मुन्नी खेल रही है वो अपना साइकिल से, तो शाम के टाइम ज़्यादातर बाहर बैठ के टाइम पास करें। कहाँ जा रही है मुन्नी? चलो चलो मुन्नी को अभी बाल कट कराएंगे। नहीं मारती। सुबह में मार खाई है इसलिए उसको लग रहा है फिर से मार खाएगी, आज मुन्नी फूल नहीं तोड़ी है, रास्ते में मार खाएंगी, देखो ढेर मारने लगेगा, ढेर सारा फूल है गिरा हुआ, ले लो ले लो, आने के बाद चुनते हैं सोनम फिर कहाँ लेके चलेंगे, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है ना, मारती ऊपर ढेर सारा है, बहुत ऊंचा है लेकिन नारंगी का पेड़ हाँ स्मेल बहुत अच्छा आता है, रात में अच्छा और आता है, चलो चलो हम लोग जा रहे हैं बाहर ऐसे ही घूमने, देखिए कितना बड़ा बड़ा, पकेगा ना तो खाने को होगा, कच्चा इतना ऊपर कोई तोड़ने ही नहीं, बाप कितना सारा कटहर है ना फ्रेंड्स, देखिए क्वार्टर्स में कितना बड़ा बड़ा को कटहर हुआ है यहाँ पे पेड़ में, ऊपर भाभी को बुलाइए निकल के एक तोड़ हाँ वीडियो नहीं है, आ जाओ सर तक खुला है, देखते हैं काला नहीं लगा है, नहीं क्या है ऐसा ही नहीं से है देख रहे हैं क्या होगा, तो डर होता है, हम अकेला सिंगल में है क्या है आना 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 चलो मुन्नी चलो मुन्नी चलो मुन्नी चलो
खेलने के यहाँ बच्चा लोग देखे कर रहे हैं ना। फूल चुन रहे हैं, चुनिए चुनिए। मुन्नी स्कूल लगा के जाएगी ना मुन्नी। मुन्नी का डेली काम है चुन कर लाना। हाँ हाँ, और चुन लो मुन्नी। अच्छा ढेर सारा हो गया इसको गूथ के। यहाँ पे भैया बेच रहे हैं जामुन और आम, तो हम खरीदे हैं जामुन हाफ किलो और 3 किलो आम। और आम का सीज़न यहाँ पे अब ख़त्म होने वाला है और जामुन का स्टार्ट हुआ है, तो जामुन काफ़ी रेट बहुत ज़्यादा था, 60 रुपया पाओ। क्या लिख रहे हैं मुन्नी, इधर देख के बताओ क्या लिख रहे हैं मुन्नी। लेट नहीं करो। हाँ लेट नहीं करेंगे, जैसे जल्दी देखो क्या लिख रहे हैं, बताओ क्या है ये। मैं हाँ ठीक है, नहीं होगा, लिखो कहाँ जा रहे हैं मुन्नी। हम लोग आ गए फ्रेंड्स, और ये देखिए यहाँ पर होमवर्क करिए, तो कहाँ जा रहे हैं। होमवर्क नहीं करना, फिर क्या करना चाहिए। होमवर्क करके कहाँ जाएगी मुन्नी बताओ। घूमने कहाँ घूमने जाएगी, अभी 7 बज गया है। हाँ ठीक है, तो लिखो लिखो। और नहीं करो फ्रेंड्स, हम वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे थे, तो वो जो साथ में एक भाभी थी उनका हाथ थोड़ा टूट गया, उनका बेटी का हाथ में थोड़ा सा। अच्छा सटा सटा के लिखते हैं, तो उनका जो बेटी है वो खेलते खेलते गिर गई, हॉस्पिटल लेके गए। देखिए सभी लोग अच्छे से वहाँ बात कर रहे थे, वो भी खेल रहे थे, उनके पापा साथ में थे, फिर भी खेलते खेलते गिर गए, लेके गए हॉस्पिटल। और हम लोग आ गए, मुन्नी लिख रहे होमवर्क, ज़्यादा चोट ना लगा तो ठीक है, नहीं तो रो रही थी, पता नहीं अब गए हैं, कॉल करके पूछूंगी। 2 मिनट में अच्छा हाँ खेल रही थी, खा रही थी, एप्पल खाते हुए खेल रही थी और गिर गई, उनके पापा लेके गए हॉस्पिटल। ये है किधर हॉस्पिटल नज़दीक है, 24 आवर्स रहता है, तो फटाफट लेके चले गए। और लिखो होमवर्क लिख कर कहाँ जाएगी। और इंगर इंगर रोजेस भी बोलना है, क्या लिख रही है बोलो, ये क्या है, ये क्या है बताओ। 6, 7, 8, 9, 10 हाँ क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, नंबर्स। हाँ तो आज इसको स्टार नहीं मिला है क्योंकि मुन्नी का राइटिंग अच्छा नहीं आया है क्लास में। देखो क्या स्टार कहाँ मिला है मुन्नी को, नीट राइटिंग लिखेगा लिखेगी ना मुन्नी तो स्टार मिलेगा, आज नहीं मिला है मुन्नी को। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हाँ क्या क्या हुआ कहाँ लग रहा है इसको कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कहाँ रोज रोज स्टार मिला, यहाँ स्टार मिला है फ्रेंड्स, देखिए इसको सिर्फ टीचर साइन करके दिए, यहाँ थोड़ी ना स्टार मिला है, दूसरा बुक में मिला था मुन्नी को। स्टार चाहिए तो नीट राइटिंग लिखना चाहिए, ठीक है, तो जल्दी अच्छा से देखो ये अभी अच्छा दिखता था। हाँ मुनी। देखो पापा वेट कर रहे हैं, जाओ 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 जाओ, बाय बाय, जल्दी आना, जाओ ठीक है पैदल। अच्छा ठीक है, इतना बदमाश है, देखिए इसका जो ये बैग है, बोल रही है कि क्लास में जाते हैं ना इसका फ्रेंड, सभी लोग ऐसा ऐसा करते हैं, तो मुन्नी का बैग अच्छा है ना, इसीलिए सभी लोग अच्छा करते हैं। देखिए मुन्नी का बैग आरुषि भी करती है, ठीक है चल। हाँ मुन्नी का फ्रेंड, अच्छा ठीक है, बाप रे इतना भाषण देते, चलो जाओ जाओ बाय बाय जाओ। फ्रेंड्स वो चली गई है, अभी और एक बुक में लिखना है, तो बोले कि आ के लिखेंगे, तो आ जाएगी, यही शायद जा रहे हैं बगल में गाड़ी से, उसको घुमा कर लेके आएंगे स्कूटी से। तो रात में अभी बनाना है तो कुछ नहीं है, पुआ बनाना है, खाली पुआ बनाएंगे और कुछ भी नहीं, बाकी सब्जी भी है चटनी भी है तो बना के रख देते हैं, उसके बाद खाने में तो भी टाइम है। तो फ्रेंड्स चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा,
अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।